आईपीएल तारीख के लिए लगातार सभी टीमों की तरफ से कुछ न कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आती रहती है। तो आज के जोड़े में बात करेंगे दोस्तों पंजाब की टीम की तरफ से कौन सी तीन बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो देखते रहे दोस्तों वीडियो को एंड तक। हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब की टीम के लिए कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उनके विदेशी खिलाड़ी को लेकर साथ साथ इंडियन खिलाड़ियों को लेकर, जो कि यूएई में पहुंच चुके हैं और कुछ खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं। तो जो इंडियन खिलाड़ी पहुंच चुके हैं वो है दोस्तों मोहम्मद शमी, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। ये तीनों इंडियन खिलाड़ी जो कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, ये तीनों ही खिलाड़ी पहुंच चुके हैं पंजाब टीम के पास यूए में और ये तीनों ही खिलाड़ी इस समय क्वारंटीन है। तो ये खिलाड़ी भी 6 दिन का क्वारंटीन खत्म करके बहुत ही जल्द प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। और उसके बाद बात की जाए पंजाब की टीम के लिए कौन से खिलाड़ी जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो यूए पहुंच चुके हैं, वो है दोस्तों नैथन एलायस और आदिल रशीद। ये खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं पंजाब की टीम में, जो कि दोनों ही रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर लिए गए हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी पहुंच चुके हैं यूएई और इनको भी 6 दिन का क्वारंटीन रहना होगा और उसके बाद ये प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन कर देंगे। और बात की जाए सीपीएल के खिलाड़ी की, तो दोस्तों सीपीएल के जो भी खिलाड़ी हैं पंजाब की टीम के, क्रिस गेल, निकोलस पुरन और फैबियन एलन, ये तीनों ही खिलाड़ी सीपीएल जैसे ही खत्म हो जाता है दोस्तों 15 तारीख को, तो तभी हमें ये खिलाड़ी यूएई में रवाना होते हुए दिखाई देंगे। और बात की जाए क्रिस जॉर्डन, एडन मक्रम और मॉइस हेनरिक्स की, तो ये खिलाड़ी भी बहुत ही जल्द प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन करने वाले हैं। और एडन मक्रम को थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका श्रीलंका की सीरीज जो चल रही है उसमें ये हिस्सा है और तीसरा टी20 खेलने के बाद ये बहुत ही जल्द रवाना हो जाएंगे वहां से। तो हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि पंजाब टीम के लिए निकल कर आ रही है, वो है दोस्तों निकोलस पुरन और एडन मक्रम की तरफ से। ये दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही विदेशी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पंजाब की टीम के लिए भी ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस जो कि इंटरनेशनल में अभी खेल रहे हैं ये सीपीएल में और इंटरनेशनल टीम से अपनी तरफ से साउथ अफ्रीका की टीम से, ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अच्छा करके दिखा रहे हैं सीपीएल में। जो कि पिछला मैच इन्होंने खेला बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली इन्होंने, 39 गेंदों में 75 रन की पारी खेली थी, 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट था इनका। तो निकोलस पुरन ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, साथ साथ एडन मक्रम जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। दोस्तों इन्होंने अभी सेकंड टी20 में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए इन्होंने और बैटिंग में भी 21 रन बनाकर नाबाद रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। पर इसमें खुशी की बात यह है कि दोस्तों एडन मक्रम बॉलिंग भी कर रहे हैं और लगातार विकेट भी हासिल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा पंजाब की टीम के लिए अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होते हैं। और इसमें तीसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों पंजाब की टीम के लिए, वो है शाहरुख खान की तरफ से। शाहरुख खान ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों पंजाब की टीम के लिए, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब की टीम आईपीएल 21 के फेज 2 में जो बाकी के मैचेस बचे हैं 6 में से 5 मैचेस जीतकर प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, क्योंकि ये टीम बहुत ही अच्छी नजर आ रही है इस समय। इस वजह से इन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया है पंजाब की टीम के लिए और बाकी सभी टीमों के खिलाफ। तो दोस्तों इसमें आप अपनी राय जरूर कमेंट्स कर देना, क्या पंजाब की टीम यूएई में होने वाले आईपीएल में प्लेऑफ्स में पहुंच पाएगी या फिर नहीं। साथ ही साथ ऐसी खबरों के लिए जो कि पंजाब की टीम के लिए और सभी टीमों के निकल कर आती रहती है, उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।